इन एल्बुगो। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम एल्बुगो में जनन का अध्ययन करेंगे। एल्बुगो में जनन दो माध्यमों से होता है, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन कोनिडिया के माध्यम से होता है। जैसा कि हमें पता है कि एल्बुगो ओमाइसिटीज वर्ग का सदस्य है और ओमाइसिटीज क्लास की यह विशेषता होती है कि इसकी मेंबर जो फंजाई है इनमें माइसीलियम असेप्टेट होता है एवं शाखित ब्रांच्ड होता है एवं इनमें सिनोसिटिक कंडीशन यानी कि संकोशिकीय अवस्था पाई जाती है। जब एल्बुगो किसी होस्ट में इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले यह लीफ में इसका जो माइसीलियम है एकत्रित होता है और लीफ में भी जो लीफ की लोअर सरफेस है, लोअर एपिडर्मिस है, वहाँ जाके ये जो हाइफी है यह इंटरसेलुलर स्पेस में एकत्रित हो जाती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस में अपने आप को स्थापित करने के पश्चात हाइफी जो है कोनिडियोफोर का निर्माण करती हैं। कोनिडियोफोर का निर्माण करने से पहले हाइफी की जो टिप्स होती हैं जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं यह उधर्व हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के यह टिप जो है बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस का संग्रहण करती है। साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के संग्रहण के कारण इसका टिप फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है और यह शेष माइसीलियम से स्पष्ट विभेदित हो जाता है। इस स्वोलन एंड को, फूले हुए भाग को एवं सीधे खड़े भाग को हाइफी के हम कोनिडियोफोर कहते हैं। तो यह प्रथम अवस्था होती है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर। द्वितीय अवस्था है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडियोफोर ही कोनिडिया का निर्माण करता है। कोनिडिया के निर्माण के दौरान यह कोनिडियोफोर का जो टिप है यह स्वेल हो जाता है बहुत अधिक मात्रा में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एकत्रित करके फूल जाता है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि इस फूले हुए भाग जो है शेष कोनिडियोफोर से यह फूला हुआ भाग धीरे धीरे अलग होगा एक संकुचन के द्वारा, कंस्ट्रिक्शन के द्वारा। यह संकुचन बाहर से भीतर की ओर वृद्धि करता है और धीरे धीरे यह वृद्धि करता हुआ इस फूले हुए राउंडेड स्ट्रक्चर को कोनिडियोफोर से अलग कर देता है और एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह कोनिडिया कोनिडियोफोर के शीर्ष पर डेवलप हो जाता है। यही प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है और धीरे धीरे कोनिडिया की चेन्स जो है कोनिडियोफोर के ऊपर बन जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कोनिडिया जो है कोनिडियोफोर के ऊपर एक चेन में बनते चले जाते हैं। कोनिडियो का जो अरेंजमेंट होता है वह बेसिपिटल ऑर्डर में ये अरेंज रहते हैं। इसे हम तलाभिसारी क्रम कहते हैं। इस क्रम के अंदर हम देखते हैं कि जो ओल्डेस्ट कोनिडिया है, सबसे पुराना कोनिडिया है, वह टॉप पे रहता है और न्यूली फॉर्म कोनिडिया, यंगेस्ट कोनिडिया जो है बेस पर उपस्थित होता है। जब बहुत अधिक मात्रा में कोनिडिया का निर्माण हो जाता है चेन में तो यह एपिडर्मिस पर, लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है उस पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डालने के कारण ये जो एपिडर्मिस है यह बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है और कोनिडिया जो है विजिबल हो जाते हैं लीफ की सरफेस पर। कोनिडिया जो है विजिबल होते हैं एक वाइट पाउडरी मास के रूप में। इसीलिए जो रस्ट, ये जो डिजीज है एल्बुगो द्वारा जो कॉज की जाती है डिजीज, इसे वाइट रस्ट डिजीज कहते हैं, श्वेत कीट रोग। यहाँ हम देखते हैं कि कोनिडिया जब चेन में डेवलप होते हैं तो दो कोनिडिया के बीच में उपस्थित जो इनकी कोशिका भित्ति है, कोनिडिया के बीच में उपस्थित कोशिका भित्ति, यह एक चिपचिपी म्यूसिलेजिनस डिस्क का निर्माण करती है। दो कोनिडिया के बीच में उपस्थित जो डिस्क है, म्यूसिलेजिनस डिस्क, यह कोनिडिया के सेपरेशन में सहायक होती है। इस डिस्क का नाम दिया गया है
डिसजंक्टर, विजोयक भी इसे हिंदी में कहते हैं। यह डिसजंक्टर दरअसल कोनिडिया के सेपरेशन में, रिलीज में सहायक होता है। तो इस तरह हमने देखा कि कोनिडिया जो है चेन में कोनिडियोफोर पर बनते हैं। थर्ड स्टेप है हमारी जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया का अंकुरण। हमने देखा कि कोनिडिया एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, यह एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर होता है और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। यह कोनिडिया जो कि यूनिसेल्युलर है, मल्टी न्यूक्लिएट है और राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसकी सेल वॉल कोशिका भित्ति थिन वॉल्ड होती है। जर्मिनेशन की प्रोसेस तभी शुरू होती है जब एप्रोप्रिएट जो है एनवायरनमेंट इस कोनिडिया को जर्मिनेशन के लिए मिले। एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के अंतर्गत तो इसे जो है जल की उपलब्धता इसके लिए अनिवार्य है एवं तापमान भी इसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस जो है होना चाहिए। जब इसे उपयुक्त एनवायरनमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, तब यह कोनिडिया जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन के दौरान इस कोनिडिया में जितने न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, करीब 6 से लेकर 12 तक न्यूक्लियस इस कोनिडिया में उपस्थित होते हैं। तो जितने न्यूक्लियस इस कोनिडिया में केंद्रक जितने इस कोनिडिया में उपस्थित होते हैं, प्रोटोप्लास्ट उतने ही भागों में विभाजित हो जाता है। इनिशियल अवस्था में हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट विभाजित नहीं होता है और सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं इस प्रोटोप्लास्ट में इकट्ठे हैं, और जब बाद में जब ये जर्मिनेट होगा तो ये न्यूक्लियस जो है प्रोटोप्लास्ट जो है विभाजित हो जाएगा फ्रैगमेंट्स में, उतने फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे जितने की न्यूक्लियस हैं। इन्हें हम यूनि न्यूक्लिएट फ्रैगमेंट्स कहते हैं। प्रत्येक यूनि न्यूक्लिएट फ्रैगमेंट मेटामॉर्फोस हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, और रूपांतरित होकर के ये बनाते हैं जूस पोर्स। उपयुक्त एनवायरनमेंट में ये जूस पोर्स बनने के पश्चात इसकी सेल वॉल को तोड़ के रिलीज हो जाते हैं, और प्रत्येक जूस पोर जो है एक वृक्काकार रेनिफॉर्म शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसमें दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं पार्श्व में, लेटरल साइड में, और फ्लैजिला आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के फ्लैजिला हैं। वन इज ऑफ विप्लश टाइप एंड अनदर इज ऑफ टिंसल टाइप। विप्लश फ्लैजिला छोटा है, टिंसल फ्लैजिला बड़ा है। टिंसल फ्लैजिला की सरफेस पे कुछ छोटे छोटे हेयर्स उपस्थित होते हैं। यह जूस पोर कुछ समय तक गतिशील रहता है, उसके पश्चात यह अपना फ्लैजिला विड्रॉ कर लेता है और यह एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेता है और अपने चारों तरफ हाईली थिक सेल वॉल भी डेवलप करता है। अब यह जूस पोर जो है सिस्टर्ड जूस पोर बन जाता है। सिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने चारों तरफ मोटी कोशिका भित्ति भी बना लेता है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, इसे हम सिस्टर्ड जूस पोर कहते हैं। और सिस्टर्ड जूस पोर के कारण ही एल्बुगो का एक और भी नाम है सिस्टोपस, जो इसका एल्बुगो का ओल्डर नेम जो है सिस्टोपस इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो जूस पोर है उसके चारों तरफ जो मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिस्ट पाई जाती है, इसलिए इसे सिस्टोपस भी कहते हैं। और यह सिस्टर्ड जूस पोर जर्मिनेट होकर एक जर्म ट्यूब का निर्माण करता है। यह जर्म ट्यूब सुटेबल होस्ट मिलने पर उसके अंदर इन्वेड करती है स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा के थ्रू इन्वेड करके यह जो होस्ट प्लांट बॉडी है उसके अंदर यह माइसीलियम एंटर हो जाता है और यह फर्दर इन्फेक्शन कॉज करती है, और इन्फेक्शन और इसी तरह जो है कोनिडिया जो एल्बुगो है इसका जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन में सहायक होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बुगो। एल्बुगो में जो लैंगिक जनन है यह ऊगैमस प्रकार का होता है, यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है। ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसे हम एंथ्रिडियम पुंधानी कहते हैं, एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसे हम ऊगोनियम अंडधानी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन चरणों में पूरा कंप्लीट होता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनियम अंडधानी का निर्माण, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रिडियम पुंधानी का निर्माण, तीसरा चरण है निषेचन फर्टिलाइजेशन, और चौथा चरण है फॉर्मेशन ऑफ ऊस्पोर का निर्माण।
तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। कवक तंतु की वह शाखा जिसमें जो बिहेव जिसमें जो निर्माण करती है यूगोनियम का, यह शाखा जो है इसका जो शीर्ष होता है एपिकल एंड होता है, यह फूल जाता है बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के संग्रहण के कारण। और यह कवक तंतु की यह शाखा फीमेल ब्रांच की तरह व्यवहार करती है। यह जो बाकी माइसीलियम से यह फीमेल ब्रांच एक सेप्टा के द्वारा अलग हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं, यह जो शीर्ष है फूला हुआ धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में जो है यह जो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, और न्यूक्लियर डिवीजन अधिक मात्रा में होने के कारण इसका जो ये जो एंड है यह और अधिक स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। थर्ड स्टेप में ये जो यंग यूगोनियम है, थर्ड स्टेप में देखिए आप, इसमें चेंजेस होते हैं, इसके प्रोटोप्लास्ट में कुछ चेंजेस होते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो है डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, आउटर वन इज द पेरिप्लाज्म एंड द इनर प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज ऊप्लाज्म। बाहरी जो है जो जीव द्रव्य है इसे हम परिद्रव्य कहते हैं, और भीतरी जीव द्रव्य को हम जो है इसे डिम्ब द्रव्य कहते हैं, ऊप्लाज्म यानी कि डिम्ब द्रव्य। पेरिप्लाज्म जो होता है वो हाईली वैक्यूलेटेड होता है, जबकि ऊप्लाज्म जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियस का संग्रहण होने के कारण यह हाईली डेंसली साइटोप्लाज्मिक हो जाता है। जब प्रोटोप्लास्ट दो भागों में विभाजित हो जाता है तो यूगोनियम जो है यह इसकी मैच्योर अवस्था होती है, यूगोनियम मैच्योर हो जाता है। जिस शाखा हाइपर ब्रांच की जिस शाखा में यूगोनियम का निर्माण होता है इसी के पास कि अन्य शाखा में एंथ्रीडियम का निर्माण होता है, और हाइपल ब्रांच की वह शाखा जो एंथ्रीडियम का निर्माण करती है यह मेल ब्रांच की तरह व्यवहार करती है, और यह अपने जो शीर्ष होता है इसका जो एपिकल एंड होता है यह बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के एकत्रित करने के कारण यह स्वेलअप हो जाता है, और शेष माइसीलियम से यह कट हो जाता है सेप्टा के द्वारा। यंग एंथ्रीडियम जो है धीरे धीरे जो है इरेक्ट हो जाता है, और इरेक्ट होकर के यह जो यंग यूगोनियम है इसके समीप स्थित हो जाता है। यंग यूगोनियम की जो वॉल होती है इनर वॉल बिल्कुल जो है एंथ्रीडियम की वॉल से चिपक जाती है, और इनके बीच में फ्यूजन हो जाता है। जब एंथ्रीडियम और यूगोनियम मैच्योर हो जाते हैं तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया आरंभ होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया आरंभ होने के दौरान जो यूप्लाज्म में बहुत अधिक मात्रा में जो न्यूक्लियस उपस्थित थे यह न्यूक्लियस या तो डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बचता है, और इसमें ऐसा भी मानना है वैज्ञानिकों का कि ये न्यूक्लियस जो है पेरिप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस जो है सेंटर में बचता है, और यह सिंगल न्यूक्लियस ही एग की भांति व्यवहार करता है। एंथ्रीडियम में जो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं ठीक इसी समय एंथ्रीडियम में जो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं यह न्यूक्लियस भी डीजनरेट हो जाते हैं सिवाय एक न्यूक्लियस के, जिसे हम मेल न्यूक्लियस या मेल गमीट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया आरंभ होने के दौरान जो एंथ्रीडियम है यह एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करता है। ठीक उसी समय जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है ठीक उसी समय जो प्रोटोप्लास्ट है यूप्लाज्म का यह जो है इकट्ठा होकर के एक सीनोसेंट्रम का निर्माण करता है। इस सीनोसेंट्रम में जो है एक सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो एग की भांति व्यवहार करता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से मेल न्यूक्लियस जो है इस सीनोसेंट्रम में उपस्थित एग के पास जो है रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह मेल न्यूक्लियस जो है एग के पास रिलीज कर दिया जाता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। यह क्रिया जो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहलाती है।
हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा, निषेचन एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा हो रहा है, इसे हम गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट कहते हैं। दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके, फीमेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके जो है उस पोर का निर्माण करते हैं जो कि एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। उस पोर में एक सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यह अपने चारों तरफ जो है मोटी भित्ति का निर्माण करता है, हाईली थिक वॉल का निर्माण करता है। नाउ इट इज एक्ट एज अ उस्पोर, अब यह उस्पोर की भांति व्यवहार करता है। उस्पोर कुछ समय तक जो है सुप्त अवस्था में रहता है, और जैसे ही यह जर्मिनेट करता है तो इसका जो सिंगल न्यूक्लियस है यह पहले जो डिप्लॉइड है यह पहले मियोटिक डिवीजन द्वारा चार न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, और ये चार न्यूक्लियस फर्दर माइटोटिक डिवीजन द्वारा बहुत सारे मैनी न्यूक्लियाई जो है इसमें बनते हैं। एट अ टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ उस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ उस्पोर के दौरान जो इसकी हाईली थिक वॉल है, द उस्पोर हैज टू लेयर थिक वॉल, उस्पोर में दो लेयर थिक वॉल पाई जाती है। आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन, आउटर वॉल को हम एक्साइन कहते हैं, और इनर वॉल जो कि थिन होती है, पतली होती है, इसे हम इंटाइन कहते हैं। उस पोर की जर्मिनेशन के दौरान जो एक्साइन है यह बस्ट हो जाती है, और ये सारे के सारे जो स्पोर जो है वॉल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। एक और एक स्टेप जो है मैं आप बताना चाहूँगी कि जब ये जर्मिनेशन होता है उस समय प्रोटोप्लास्ट जो है फ्रैगमेंट्स में विभाजित हो जाता है, और उतने फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं जितने की न्यूक्लियस होते हैं, और यह सिंगल न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स जो है जूस्पोर का निर्माण करती है। यह जूस्पोर बाहर आ जाते हैं। इनिशियली जो जूस्पोर होते हैं यह बायफ्लैजिलेट होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला उपस्थित होती है, और यह वृकाकार किडनी शेप्ड रेनिफॉर्म होते हैं। दो फ्लैजिला में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। कुछ समय तक यह जूस्पोर गतिशील रहते हैं, तत्पश्चात यह अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेते हैं और नॉन मोटाइल हो जाते हैं। जब इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तब यह जूस्पोर जो है जर्मिनेट होते हैं और एक जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। यह जर्म ट्यूब जो है सुटेबल होस्ट में एंटर करती है थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा यह जर्म ट्यूब जो है एक होस्ट में, एक सुटेबल होस्ट में एंटर करती है। इस तरह हमने देखा कि जो एल्बुगो है इसमें लैंगिक जनन के दौरान जो है एंथ्रिडियम और उगोनियम का निर्माण होता है। एंथ्रिडियम जो है मेल गमीट का निर्माण करता है, और उगोनियम जो है एग का निर्माण करता है। एग न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस और उस्पोर का निर्माण करते हैं, और उस्पोर जो है जर्मिनेट होके जूस्पोर का निर्माण करता है, और जूस्पोर जो है सुटेबल होस्ट में जर्म ट्यूब के माध्यम से जो है एंटर करते हैं। इस तरह हमने देखा कि एल्बुगो जो है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और इसे जीवित रहने के लिए एक होस्ट चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्बुगो में उगेमस टाइप का होता है, कि जो कि एक एडवांस टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्बुगो में कोनिडिया के माध्यम से होता है। थैंक यू।